अब ये देखो भाई, आज तुम्हारा भाई पूरा शेयर खत्म कर देगा। सत्यानाश, ये देखो भाई, अभी मेरी गाड़ी उड़ा दिए होते आप। और सामने पापा की परियां भी खड़ी हुई हैं, बहुत सारी तगड़े बारिश हो रही। सामने देखो, बारिश भी तेज हो रही है, बहुत तेज। मम्मे, खाने में क्या बनाया है? तो आज मम्मी शायद गुस्सा है। मम्मे गुस्सा हो क्या? आज मम्मी गुस्सा है, पता नहीं क्यों, शायद मैं घर से बाहर था इसलिए। तो ये आज मम्मी ने बनाया पनीर, ओके, पनीर और रोटी। तो आज पनीर रोटी ऐसा खाने को नहीं मिलेगा आज। और भिंडी भी है क्या? और भिंडी भी है, ये देखो। हाँ, मतलब भिंडी मेरी फेवरेट है, सोप वाली। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोपहर के बज रहे हैं, कितने 2:30 बज रहे हैं, और यहाँ चल रही है टीवी। मैं भाई टीवी देख रहा है, और मैं अंदर ही पड़ा हुआ था अंदर। मतलब आजकल कोई लाइफ में मजा ही नहीं आ रहा यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कंटेंट बनाऊं तो बनाऊं, गया साला कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि लॉकडाउन लगा पड़ा है, लॉकडाउन खुल तो गया वैसे ऑलमोस्ट, बट लॉकडाउन ऐसा खुला है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है, बाकी दिन खुल जाता है, वो भी सुबह 6 से 8 बजे तक। तो आज मंडे तो लॉकडाउन खुल गया होगा। तो ये है अपने फुलके, भिंडी, पनीर की सब्जी और अचार। और यह गौरव बोल रहा है कि भाई मैं सागर गेरे से पनीर बनवा रहा हूँ। पनीर सैंडविच? पनीर मम्मी चिल्लाएगी, मम्मी के लिए मंगा दो। मम्मी सैंडविच खाओगे क्या? एक काम करो, एक कोल्ड क्यू हमारे लिए बोल दो, बाकी उस पनीर बोल दो। रुको रुको, हमारे पास कूपन है, जोमेटो करो, हम कर रहे हैं। तुम्हारे पास कूपन है, फोन पे से अनलॉक हुआ है, मेरे को शायद 50% ऑफ मिलेगा, तो अपन कर दे रहे हैं अपन, है ना। तो फटाफट मैं अपनी कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ, और आप सैंडविच कर दो अपने लिए, मम्मी के लिए भी सैंडविच, है ना भाई लोग। चलो मजा आया, कोल्ड कॉफी पियेंगे, पहले ही खाते। तो ये अपना एक और पार्सल आ गया है, इस पर मैं बताऊंगा मैं भी मैंने क्या मंगाया था। अंकल को भी 300 रुपए दे दो। आइस नहीं, नहीं फिर सादी कोल्ड कॉफी सही रहेगी। ये लीजिए अंकल, वेलकम। पानी में ले लेते कुछ? चलिए ओके। चलो भाई, अभी अपन ऑर्डर कर रहे हैं सारा देर से कोल्ड कॉफी, वो उसमें आधा घंटा लग जाएगा। बाकी अपना एक और ऑर्डर आ चुका है, दिखाऊंगा उसमें क्या है। और अपना एक और ऑर्डर आया है, ये भी एक ऑर्डर मंगाया था हमने, ये पापा लेके आए इस ऑर्डर को। क्यों भाई, ओए कहा था तू इतने दिनों से है? पिल्लू के पिल्लू। और भाई मैं आपको बताना भूल गया, वो पिल्लू जो था ना, जो डैमेज हुआ था, जिसको वो ऑगमेंट किया था, वो मर गया 2 दिन पहले, बेचारा मर गया था वो, क्योंकि उसकी बचने की उम्मीद थी नहीं। शाम को फोन आ गया था, सेम डे जब भर्ती करके आए थे ना उसको, तभी वो बेचारा खत्म हो गया था। और मतलब 2 दिन तो मेरे को भी बड़ा बुरा लगा, फिर मैं आप लोग को अब बता रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत वो था। बाकी ये पिल्लू तो बचे हैं, ये तीनों भाई बचे हैं, एक और एक वो दो, आजा आजा। तो ये 2 और 3 बचे हैं, एक बेचारा चला गया यार। ठीक है अब भाई, इनको हम ध्यान रखेंगे हमेशा अपना पार्सल। इसको अपन पहले खाना खा लेते हैं, फिर खोल के दिखाऊंगा इसमें क्या है। ठीक है भाई लोग, चलो। इसमें टी शर्ट है, टी शर्ट आपको 300 रुपए देने हैं ना, अभी फोन पे कर रहे हैं। चलो ओ छोटे डॉन, इसका मजा आता जब उसकी लुल्ली पकड़ते हैं तो, हट कंधा कहीं का। तो भाई ये इसको ना अपन यहीं पे खोल लेते हैं ऑर्डर को। अरे खुल जा भाई, खुल जा। ये टी शर्ट जो है ना, मेरे को काफी पसंद आई थी, मैंने ऑनलाइन इसको देखा था बहुत अच्छी, मतलब वेबसाइट से। तो इसको मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, फिर अपन देखते हैं क्वालिटी कैसी और साइज परफेक्ट बैठता है कि नहीं, फिर उसको चेंज। तो भाई लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है भाई तुम्हें भाई की टी शर्ट। ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर करी थी, जो कि काफी अच्छी लग रही है, डैशिंग लग रहा है तुम्हारे भाई इसमें। तुम्हारे भाई का थोड़ा पेट है ना, वो थोड़ा निकलता है, दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन पेट को नीचे कर लेंगे, पेट दबा लेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद। बाकी टी शर्ट मुझे काफी पसंद आई, अच्छी लग रही टी शर्ट। अगर आप चाहो तो अभी मंगा सकते हो टी शर्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट जिसका नाम है बूट्स मेक मूड, काफी अच्छी वेबसाइट है भाई। मतलब जेन्युइन प्राइस पे आपको टी शर्ट, जीन्स वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मेरा मानना तो प्लीज जरूर चेकआउट करना, और पसंद है तो कुछ खरीद भी लेना। और हाँ, अगर आप मेरा दिया हुआ कूपन कोड यूज करते हो द एनपी ऑफ एडर, तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, और अपनी शॉपिंग करो, और अपने आप को एकदम स्मार्ट लौंडा बनाओ तुम्हारे भाई की तरह। बाय बाय। तुम्हारा भाई खेलेगा अब GTA। और भाई लोग, मैंने लास्ट टाइम भी GTA का डाला था वीडियो में, तो बहुत भाई लोग ने मुझसे पूछा कि डाउनलोड कैसे किया। भाई डाउनलोड मैंने नहीं किया,
मुझे एक दुकान पे बंदा मिला था, वो अपने फोन में खेल रहा था, मैंने उससे बोला मेरे को भी दे, तो मैंने पापा के फोन में ले लिया था। मुझे नहीं पता वो फाइल कहाँ से लाया, मुझे मेरा GTA मिला, मैंने उससे पूछा भी नहीं, बट अगर वो मुझे मिलता है तो भाई जरूर से पूछूंगा, और नहीं तो मैं आपको YouTube पे फाइंड करके एक लिंक छोड़ दूंगा, तो उस पर आप चेकआउट कर लेना कि कैसे डाउनलोड करते हैं GTA। बाकी अब मैं GTA खेलता हूँ, मैंने इसमें चीट कोड भी लगा रखे हैं, आपको ना भाई सब चीजें आपको जरूरत नहीं मुझसे पूछने की, पूछने की यूट्यूब पे जाओ सर्च करो सब मिलता है यूट्यूब पे, अब तुम्हारा भाई GTA खेलेगा। चल भाई आज भेनगढ़ बहुत सारे लोग को निपटाएगा, तुम्हारा भाई छपरी लोग को निपटाएगा, छपरी लोग को इसमें गेम में निपटा देगा, असली में भी निपटाएगा और इसमें भी निपटाएगा। पहले ये लड़की मार लग रही है, इसको पकड़ते हैं, इधर इधर इसको घूसा मारते हैं, इधर तेरी माँ का भरोसा, ओ भग रही है, अबे चल इधर चलना भग जाएगी, पता नहीं क्या बोल रही है अंग्रेजी में, भाड़ में जा तू, अपन चलते पहले अपने देखते हैं अपने गराज में क्या खड़ा हुआ है, फिर देखते हैं क्या है अपने पास, इधर मुड़ बे नशेड़े, ये खुल गया गराज, ओए टैंक, लो बाबा आज तो पूरा शेर ही खत्म कर देगा तुम्हारा भाई, अब तो पूरा शेर ही उड़ा दूंगा मैं, बैठ भाई टैंक अंदर बैठ, तेरी भाग हट सामने मजा उड़ा दूंगा तेरी, हट तेरी माता, तो फाइनली हमारी कोल्ड कॉफी आ गई, ये बिल भर देंगे सब्सक्राइब बिल, अरे ऐसी कहते हैं बिल बिल क्या बिल बिल 200-300 रुपए काय का बिल होता है, लाओ लाओ फटाफट हमारी कोल्ड कॉफी दी जाए हमें, हमारी स्ट्रॉ तो की स्ट्रॉ, अरे होगी कुछ इस तरह पैकिंग करते हैं ये लोग कोल्ड कॉफी की, ओ तेरे की ये क्या है झाग कैसे बन गया, ये मैंने कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम मंगवाई है, शादी वाली नहीं मंगवाई, इसमें आइसक्रीम भी मिल जाएगी, ये आइसक्रीम दिख रही होगी आपको, इसको पहले ऐसे मिलाते हैं, ऐसे चम्मच देना भूल गया वो, देन इसको ऐसे हो गया सत्यानाश, ये देखो भाई, तो भाई ये पूरी कोल्ड कॉफी यहाँ आया तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली गई नीचे तक, अरे बाप हट, अब इसको साफ करना पड़ेगा मुझे, मुझे लगता है पैंट भी उतारना पड़ेगा अब मुझे, पता नहीं कोल्ड कॉफी कहाँ कहाँ तक घुस गई, पोछा भी लगाए जैसे लगे आप, अरे बंद करो इसको साला, ये एसी ने इतनी तेज ठंड लगाई ना मेरे को, अब मेरे को जुकाम उगाम हो गया होगा, तो भाई लोग अभी मेरे दोस्तों का फोन आया, वो अपने विदिशा के दोस्त लोग हैं, भाऊ मिश्रा नहीं एक भाऊ करके है और एक चुगानी, दोनों सिंधी भाई है, तो उनका फोन आया, बोला भाई हम यहाँ पैदल हैं आ जाओ लेने, अब तुम्हारे पास कार तो है नहीं, मेरे पास बाइक है, तो मैंने सौरभ भाई को फोन लगाया उनके भैया की मैं कार लेके जाता हूँ, तो फटाफट अभी अपन चलते हैं बाइक से उनके रूम पे, वहां से कार उठाएंगे, देन चलेंगे अपन उनको उठाने, थोड़ा बहुत घुमाएंगे फिर आएंगे, उन्हें फिर रवाना कर देंगे विदिशा के लिए, अरे ये हटाऊं क्या, रुक गया भैया, रुक जाओ, बाप रे इतना बड़ा ट्रक, अभी मेरी गाड़ी उड़ा दिए होते आप, अभी मेरी गाड़ी उड़ा दी होती आपने, देख नहीं रहे थे मैंने आवाज लगा रहा था आपको अभी बम्बल भी को उड़ा दिया होता अंकल ने, के वक्त तुम्हें पैसे दिए मैंने, अब तुम नखरे कर रहे हो भाई, ये कौन सी बात है, अरे तो फोन तो उठाओ, देखो तुम ये चूतिया मत बनाया करो आकर जाइए, तुम ये मेरा नया नंबर है, तुम फटाफट पैसे डालो, हाँ तुम पैसे डालो, कितनी देर में डाल रहे हो भाई ये बताओ, हाँ भाई जल्दी करो, मैं ज्यादा, हाँ मेरे पास क्या है, हाँ कैश लेने आ जाऊंगा भाई, मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं है पैसे, मुझे गाड़ी में तेल भरना है, ठीक है, ओके 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 बाय बाय, आओ भाई, तो अपने को भाई से पैसे लेने थे, वो हॉस्पिटल गए थे, तो ये अपने हैं जय गोविंद भाई, ये कहाँ से, कनाडा से हैं, टोरंटो में, मतलब कनाडा तो देश हो गया, इनकी स्टेट है टोरंटो, तो ये भाई सौरभ भाई के भांजे लगते हैं, अरे बाप रे तेल डलाना पड़ेगा लगता है इसमें, बिल्कुल एंड पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं है डला लेंगे यहीं से, अभी ट्रक वाले को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो अपन जा पाएंगे,
भाई लोग अपने अपन लोग जा रहे हैं भाव लोग को लेने, वो सात नंबर पे खड़े हुए हट जाओ दीदी। तो अपन जा रहे हैं सात नंबर भाव लोग को लेने और अपना भाई कैमरा पकड़ा हुआ है विदिशा वाला, सॉरी कनाडा वाला भाई। अरे भाई अपना कनाडा से भाई सब्सक्राइबर भी भाई अपना है ना, होगी नहीं हो फैन होगी नहीं हो ये बताओ, जबरा फैन हो। अरे तुम तो दोस्त हो यार अपने, तो भाई बोल रहे हैं कनाडा आओ बढ़िया, इनके पास बीएमडब्ल्यू वगैरह सब है वहाँ पे कनाडा में, मतलब ये वहाँ रहते ही परमानेंट, यहाँ आके फंस गए, इनका गांव है सतना में, वो आए हुए थे पर अब वो लॉकडाउन लेके चक्कर फंसी गई है ना। कैमरे को देखना भाव, कैमरे को नहीं, कैमरे को पीछे रखते बढ़िया, देखा टूटे ना वो, गोदी में रखे अपनी गोदी में रखे टूट जाएगा पीछे। चलो बैठो बैठो फटाफट बैठो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चल जल्दी बैठ रहे, अभी मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, तो मैं तो कल भेजता मैं घर, भाई की गाड़ी है ये, भाई कनाडा से है। हाँ हाँ मिलो, हाथ पाथ मिलाओ बढ़िया। नाम ये पता कर रहे थे टोरंटो में, इनका नाम क्या है? जे जे। हाँ चलो अब कहाँ चल रहा है बताओ, भी चलोगे? फिर तेल डलाते हैं, मेरे सौ रुपए को तेल डलाते हैं। चलो भाव बढ़िया था, चलो कार बेच दी, ये लोग कनाडा के लोगों की। अबे भाई ये भाई अपना इंडिया ने साले, वो तो वहाँ बस गया है, ये तो इंडियन ही ना, तो मतलब बचपन से ही होंगे ना, बचपन। अबे पंडित जी है ना ये तो। हाँ भाई पता है तुम्हारा भांजा है, हमारे भी बहुत रिश्तेदार दुबई में बहुत बसे हुए, मॉल पर खोल के बैठे सौरभ भाई। एंड अरे जाओ यार, अभी तुम सिंधियों को जानते नहीं हो क्यों भाई? सिंधी तो पूरे वर्ल्ड में बसे, और ये बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है यार, आए हाय मेरी का पागल हो गए, मेरी बिल्डिंग है इतनी बड़ी बिल्डिंग देखो। और एक खुशखबरी है, इन्होंने मुझे बताया, ये जर्नलिस्ट है ना, ये न्यूज में है, तो गुरुवार से पूरा खुल जाएगा, पूरा मतलब सब कुछ मिलेगा, दारू वारू चिकन विकन रात भर मिलेगा। है चलो बढ़िया है यार, और बिल्डिंग बारिश चालू हो गई, टिप टिप बरस रहा है पानी। भाई से मिलते हमें बहुत अच्छा लगा, फिर से हमारी दोबारा मुलाकात हुई। मैं कह रहा हूँ चलो चल छोड़ जाता हूँ, रिश्ते बोल रहे हैं, मेरा चिल्ला था ना 700-800 रुपए का, कान फट गई भाव की, बिल्कुल नहीं बचे हमारी। देखो हाय हाय क्या मौसम हो रहा है यार। हाँ भाई है इंडिया बढ़िया, बस कनाडा से बेटर तो नहीं है पर है अच्छा, इतना बुरा भी नहीं है, हमारे लिए हमारा इंडिया ही बेटर है। अबे जब कनाडा जाएगा ना साले तो बोलेगा कनाडा बहुत अच्छा है, समझा? हाँ इंडिया अच्छा है, पर इंडिया के जो है ना पॉलिटिक, ये जो नेता है ये बड़े राजनीति है ना ऐसी होती है, करप्शन बहुत है इधर, करप्शन बहुत है वहाँ, करप्शन बहुत कम है ना वहाँ पे, वही वही भाई। मौसम बढ़िया हो गया, बारिश हो रही थी, और ये सामने है हमारी भोपाल की वर्ल्ड फेमस झील, सामने पापा की परियां भी खड़ी हुई हैं, बहुत सारी पापा की परियां दिख जाएंगी आपको आज, पापा की परियां बहुत दिख जाएंगी आज, वो सामने राजा भोज की मूर्ति। इन लोग को हम जा रहे हैं छोड़ने भाव लोगों को, और ये चुगानी भाई को, ये लोग को बोला मैंने चलो, तो ये कह रहे हैं भाई हमें बस से जाना है, मेरा ठीक है साहब, तो बस से छोड़ रहे हैं इनको, बारिश हो रही है तकड़ी वाली, तुम भाई तुम कार में वहाँ कोई देख लेना है ना, बस तुम्हें मिल जाएगी ना, क्यों यश भाई? वो तो जाती रहती है, बस तो मिल ही जाएगी वैसे भी, नहीं चलो इनको छोड़ के आते हैं नादा बस स्टैंड, फिर अपन चलते हैं सौरभ भाई को लेने उधर इनके ऑफिस। बारिश बारिश दिखा दो भाई, बारिश दिखा दो तगड़ी वाली। चलो भाई हाँ, तो भाई उनको हमें छोड़ दिए नादरा पे, अब हम जा रहे हैं रूम के, भैया भाई को कहीं जाना है जिनकी गाड़ी इनको वापस करनी है, बारिश बहुत जरूरी, दिखा दो बारिश। चलो भाई। हाँ गोविंदा भाई क्या हाल है? बढ़िया। तो भैया वो लोग चले गए फिर से लेक व्यू घूमने, मतलब हम तो नहीं जा रहे, हम तो घूम के आ गए थे, और ये भाई अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। भाई जरा बोलो तो लैंग्वेज, इंग्लिश में बात कर रहे हैं कनाडा वाली, पता नहीं क्या बोला, समझ ही नहीं आया। मजा आया भोपाल में? भोपाल में हमसे मिलोगे तो मजा आएगा, इधर हेरे गेरे से मिलोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। अभी लॉकडाउन तो खुल जाए तो फिर तुम्हें तो क्या बताएं हम, फ्राइडे से खुल रहा है पूरा भोपाल, पूरा भोपाल 8 बजे तक खुल रहा है, उसमें भी सारा खुल रहा है मैं मान रहा हूँ, पर उसमें भी दिक्कतें हैं, 6 से 8 तक खुलेगा, संडे लॉकडाउन रहेगा, और रेस्टोरेंट जो बार है ना, बार वगैरह नहीं खुल रहे हैं, लॉन वगैरह नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक इन की सुविधा है। क्या मतलब ऐसे झाटू भोपाल खुलने का ये बताओ आप, इतना तो। चलो आ गए घूम के? आ गया भाई। कहाँ गए थे? एयरपोर्ट तक? एयरपोर्ट गया था। हाँ भैया घूम लिए, मजा आया? मजा आया। और आप ये तो कनाडा वाले हैं, तो क्या इनको क्या घुमाना है? सिटी का नाम क्या था? टोरंटो। पता है मैंने बता दिया भाई टोरंटो से आए, अब ये फंस गए यहाँ पे लॉकडाउन के चक्कर में। ठीक है भैया, भांजे जी ने बोल दिया है ना, ये भैया मतलब ये जो है ना अपना भाई जय गोविंद, ये इनके मामा लगते हैं, और इनका ये इनके ये भाई इनका भांजा है। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, ये मामा है ये भांजा है। अच्छा ये मामा है ये भांजे हैं, और ये भी मामा है, और ये हम भी मामा, क्योंकि भाई 17 साल का है, तो ये भी हमारा भांजा हुआ है ना, तो हम तीनों ही मामा हो गए। ठीक है भांजे। चलो जाता हूँ मैं घर। ठीक है भैया,
कल निकल जाओगे आप लोग? हाँ। शाम को तो आ ही जाऊंगा, तो मुलाकात हो ही जाएगी फिर। बाकी गांव तो आ ही रहे हैं हम आपके, क्यों सौरभ भाई? 30 तक गांव आ ही रहे हैं, फिर चलेंगे मैयर वगैरह। चलो चलते हैं घर। चलो चलो चलो, ये पिल्लू के पिल्लू, पिल्लू के पिल्लू, इसको क्या घर के बिठा के रखा करो आपने? खेल रहे हो इधर देख। गंदा है, सुअर का दूध पी के आता है, सुअर का दूध। हाँ सुअर का दूध पीते हैं ये, हमने देखा है। पिल्लू क्या पिल्लू, पिल्लू क्या पिल्लू। स्वागत है आप लोग का आज वीडियो पसंद आएगा, वीडियो नीचे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना तुम्हारे भाई के चैनल को, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना ताकि मैं ऐसे पिल्लू बिल्लू की स्टोरीज पे डालता रहता हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टा पे टैग करोगे ना तो मैं आपको उस पे फॉलो वो सॉरी मेंशन बैक भी देता हूँ, और रिप्लाई भी आपको मिलते हैं, डोंट वरी। तो मेक श्योर कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और हमारे पिल्लू को भी ध्यान से देखें। पिल्लू हाय कर दो सबको बेटा, ये मैंने सूअर का दूध पीता है। सूअर का दूध पी के आता है ना तू कंधे, तेरी माँ का दूध नहीं पीता तू? सुबह का दूध पीता है बच्चा है ना। चलो ठीक है मिलूंगा आप किसी और शानदार वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित। जय हिंद, जय भारत। पिल्लू बाय 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 बाय। पिल्लू बाय कर दो, बाय बाय।